दोस्तों नमस्कार, गुड मॉर्निंग, स्वागत आपका। और एक बार पुनः मैं एक अपडेट के साथ हाजिर हूँ। अपडेट तो क्या है, वो सामने से बात है। आज 17 सितंबर का दिन है, गुरुवार का दिन है और तिथि के हिसाब से स्वरूप पितृ अमावस्या है और विश्वकर्मा जयंती भी है। मतलब आज बहुत सारी घटनाओं को संयोग भेट रहा है और आज हम दो तीन मुद्दे पर बात करेंगे। उससे पहले मैं आपको बता दूं कि इंदौर के दैनिक भास्कर ने आज एक बड़ा सा अखबार अपने पाठकों के लिए भेजा है, 128 पेज का है। इसकी क्या पृष्ठभूमि है अभी हम इसमें देखेंगे। और इसकी खबर का भी पहले से हमारे पास भी थी कि इसकी तैयारी चल रही है। और इसका महत्व तो इसलिए बढ़ जाता है क्योंकि कोरोना काल में जब अब सब अनलॉक हो रहा है तो मीडिया भी अपने पंख पसारने की और कहते हैं ना फैलाने की तैयारी में है। और शायद उसी तरह ये इस समाचार पत्र कदम है और सभी और आशा और एक सकारात्मक भाव आए, खासकर इंडस्ट्री में, एजुकेशन फील्ड में और जितने भी सर्विस सेक्टर है उसमें। इसके हिसाब से शायद ये अखबार निकाला गया। खैर, अखबार की बात इसलिए ज़रूरी थी कि हम चूँकि इसी प्रोफेशन से जुड़े हैं इसलिए हमें बड़ी खुशी होती कि अखबार छपते हैं, बिकते हैं और इस प्रकार का नया स्वरूप पाठकों के लिए पेश किया जाता है। बहरहाल, आज विश्वकर्मा जयंती भी है जिसके बारे में जिक्र करा। और माना जाता है कि पूरी दुनिया को विश्वकर्मा जी ने बनाया। विश्वकर्मा जी भगवान जो हमारे हैं उनके जो कहते हैं इंटीरियर डेकोरेटर है, इंजीनियर है और सब कुछ वही है। स्वर्ग से लेकर दूसरी चीज़ें बनाने के लिए भगवान को बुलाते हैं और यही कारण है कि आज हम उनको मनाते हैं। और ये एक अच्छा दिन माना जाता है कामगारों के लिए क्योंकि दुनिया में विकास और विकास के लिए कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ काम चलते रहना चाहिए। और विश्वकर्मा का संदेश यही है कि दुनिया को नई बनाया जाए। हालांकि हम जानते हैं पिछले बरस इस समय काफ़ी बारिश हो रही थी और इंदौर वासी धूप के लिए तरस रहे थे। और मेरा अपडेट कहता है कि आज के दिन अच्छा मौसम खुल गया था और 5 साल भर बाद हम कोरोना से जूझ रहे हैं। यानी कि तात्कालिक संकट तो आते ही रहते हैं। अभी सुबह मैं एक पुराना गीत सुन रहा था तलत महमूद जी की आवाज़ में और हजरत जयपुरी जिनकी आज पुण्यतिथि, उनका गाना था एक दिन और 100 गम, 1000 गम वाला गाना एक था जो कि पुराने पीर था। तो वही तर्ज पे आज की दुनिया चल रही है कि एक दिल और 1000 गम, लेकिन इंसान की फितरत है कि वो हार नहीं मानता है और काम चल रहा है। तो दोस्तों यही छोटी मोटी बातें थी जो आपसे करना थी। वही अंतिम संदेश हमारा यही रहेगा कि इंदौर में कोरोना अभी फिलहाल 300-400 का आंकड़ा देख रहा है। मतलब जो रोज बारिश हो रही है उसमें ऐसी मोटी मोटी बूंदें भी टपक रही है। लेकिन अभी हम बीच में स्टडी कर रहे थे और उसमें बीते आंकड़ों को देख रहे थे तो चाहे वैक्सीन आए नहीं आए लेकिन उन आंकड़ों को देखकर ऐसा लग रहा था कि भारत में शायद दिसंबर तक कुछ केसेस में कमी आए हैं, वो भी आप सबकी जागरूकता से। लेकिन ये सब फिलहाल तो ख्याली पुलाव है। लेकिन ख्याल जो है यदि दुरुस्त हो जाए तो क्या बुरा। तो आप लोग अपने घर में रहें और कोरोना से बच के रहें, उससे इस मुकाबला करते रहें, यही कामना है। और आज एक अंतिम बात जो मैं कहना चाह रहा था, सर्व पितरों अमावस्या है, हम अपने पूर्वजों को, पितरों को याद करें और उनसे प्रार्थना करें कि वो जहाँ कहीं भी हो हमें आशीर्वाद दें और इन तात्कालिक संकटों को झेलने की, सहने की क्षमता प्रदान करें। आप सभी ने मुझे सुना, इसके लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।